फोकस करिएगा, 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सभी को पीडीएफ दिया गया है, जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं लिंक में हम पीडीएफ दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, पहला सम ब्रांच का पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि चार अकाउंट बनाइए, ब्रांच स्टॉक बनाइए, ब्रांच डेटर बनाइए, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाइए, ब्रांच पीएल बनाइए। चार अकाउंट पूछा गया है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, सबका फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, मैं टी फॉर्म में कर रहा हूँ। ओके, ब्रांच स्टॉक में हम जब पढ़ा रहे थे तभी आपको समझाए थे, अगर आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए। ये ब्रांच स्टॉक है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक से रिलेटेड वाला आइटम ही आएगा। स्टॉक को क्या कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक गुड सेंट, माने हेड ऑफिस गुड सेंट कर सकता है, और सेल्स रिटर्न, ये सब डेबिट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंट और सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंट और ब्रांच स्टॉक का डेबिट में। ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट में क्या लिखते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल, गुड्स रिटर्न, कैश सेल, क्रेडिट सेल, गुड्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, लोडिंग को हटाते हैं, जो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज हो उसको हटाते हैं, ये सब में करेंगे तो समझ में आएगा। ब्रांच पीएल, जैसे आप लोग बनाते थे ना फाइनल अकाउंट, तो पीएल के आइटम में जितना, पीएल के डेबिट में जितना आइटम आता है सबको डाल देंगे, ब्रांच पीएल हो जाए, खर्चा को डेबिट में, ब्रांच पीएल का डेबिट में। ये डेटर का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। ओपनिंग डेटर को टू बैलेंस बेटी कर लीजिएगा डेबिट में, क्रेडिट सेल को डेबिट में लिख दीजिएगा। ओपनिंग डेटर को टू बैलेंस बेटी लिख दीजिएगा, क्रेडिट सेल को डेबिट में लिख दीजिएगा। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश रिसीव, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव, अब क्लोजिंग डेटर को सीडी, क्लोजिंग डेटर को, ओपनिंग डेटर को डेबिट में लिख लीजिएगा, क्रेडिट सेल डेबिट में हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा कैश रिसीव, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग डेटर। ठीक है, हल्का बोल दिए कंसेप्ट के बारे में, आइए सम करते हैं। सम में दिया हुआ है, लोडिंग दिया है 20% अबव कॉस्ट, कॉस्ट पे है 20%, ठीक बात है। चलिए, ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक वाला स्टॉक में जाएगा, ओपनिंग को लिख देंगे टू बैलेंस बडी, ओपनिंग को हम लिख देंगे टू बैलेंस बडी, ओपनिंग हमारा है 36,000 और क्लोजिंग हमारा है बाय बैलेंस डी 48,180। लिख दिए डेटर, डेटर का ओपनिंग को डेटर में लिख देंगे टू बैलेंस बेडी, कितना है भैया 25,750, और डेटर का क्लोजिंग को लिख देंगे बाई बैलेंस बेडी, कितना है 10,000, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड सेंड टू ब्रांच कहाँ होगा भाई, डेबिट में, ब्रांच स्टॉक के डेबिट में होगा गुड सेंड, कितना है 3,24,600। फिर क्या भैया, गुड्स रिटर्न में ब्रांच कहाँ होगा, क्रेडिट में, बाय गुड्स रिटर्न, बात नहीं, बाय गुड्स रिटर्न कितना है 6,420, हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर का क्रेडिट में होगा कैश रिसिप्ट, कितना है कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट है आपका 3,10,000। डिस्काउंट अलाउड पीएल में भी जाएगा और डेटर में भी जाएगा, डिस्काउंट अलाउड दोनों जगह जाता है, डिस्काउंट अलाउड है 5,750 और डिस्काउंट अलाउड यहां पे लिख देंगे 5,750। फिर क्या भाई, ब्रांच एक्सपेंस कहां लिख देंगे, पीएल का डेबिट में, ब्रांच एक्सपेंस कितना है 30,000, नॉर्मल लॉस नहीं आता है कहीं पे भी, क्लियर है क्या। सवाल में मिसिंग है, हम लोग को चाहिए क्रेडिट सेल, क्या चाहिए, तो क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर तो आ जाएगा क्रेडिट सेल, कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो जोड़ के थोड़ा बताइए जल्दी से, 3,10,000 और 10,000, 3,20,000 और 5, 3,25,750, थोड़ा कैलकुलेटर चलाइएगा फटाफट, 3,25,750 में से 25,750 को घटाइएगा तो 3,00,000 आ जाएगा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हम लोग का आ चुका है 3,00,000, क्लियर। अब क्रेडिट सेल कहाँ लिख देंगे भाई, ब्रांच स्टॉक के डेबिट में,
ब्रांच स्टॉक के, सॉरी माफ करिएगा, क्रेडिट सेल इधर नहीं आता है, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आता है। कौन सा अकाउंट से आ रहा है? ब्रांच डेटर। कौन सा अकाउंट से आ रहा है? ब्रांच डेटर। लिख दिए क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना भैया? 3 लाख। अच्छा कैश सेल भी लिखते हैं हम, नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट आज ही चैप्टर कहीं पढ़ रहे होंगे, एबनॉर्मल लॉस माने बर्बाद हो गया, उसको भी लिखते हैं रहेगा तो। डेबिट में सेल्स रिटर्न लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न को ब्रांच डेटर के नाम से लिखते हैं। सेल्स रिटर्न को हम लिखते हैं ब्रांच डेटर के नाम से। सेल्स रिटर्न को हम लिखते हैं ब्रांच डेटर के नाम से, अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो लिखने का दरकार नहीं है। क्लियर है क्या? डेटर बैलेंस हो चुका है, स्टॉक को बैलेंस करेंगे। कभी कभी स्टॉक टैली कर जाएगा, नहीं तो कभी डेबिट में बचेगा, नहीं तो क्रेडिट में बचेगा। डेबिट में बचा तो सरप्लस इन स्टॉक, क्रेडिट में बचा तो डेफिसिट इन स्टॉक। थोड़ा बताइए किधर बच रहा है, कितना हो रहा है? जोर के थोड़ा बताइए। 3,48,180 प्लस 6,420 कितना हो रहा? 3,48,180 प्लस 6,420 कितना? 3,54,600। 3,54,600 प्लेस कर दीजिए, कितना आ रहा है? -36,000 माइनस 3,24,600 माने इधर ज्यादा है। अच्छा अच्छा इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ लेंगे और इधर घटा लेंगे। इधर बताइए जोड़ के कितना हो रहा? 36,000 प्लस 3,24,600 3,60,600 घटा दीजिए इसमें से 6,000। इधर बचा तो डेफिसिट इन स्टॉक है, इधर बचा तो डेफिसिट इन क्या है? स्टॉक है। डेफिसिट इन स्टॉक, डेबिट में बचेगा तो सरप्लस इन स्टॉक। सुनिए अब हम बना रहे ब्रांच एडजस्टमेंट। अब ये डेफिसिट इन स्टॉक को करने का दो तरीका है, इसको पूरा या तो यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए या तो खाली इसका लोडिंग लीजिए। हम लोग पूरा ट्रांसफर करते हैं। डेफिसिट बचा है क्रेडिट में ना, डेबिट में ट्रांसफर। सरप्लस बचेगा डेबिट में तो कहाँ ट्रांसफर? क्रेडिट में। तो डेफिसिट बचा हुआ है तो लिख देंगे कौन सा अकाउंट से आ रहा भाई? ब्रांच स्टॉक। कौन सा अकाउंट? कितना डेफिसिट है? 6,000 हो गया। अब लोडिंग हटाना है। लोडिंग क्या क्या चीज पर? लोडिंग माने एक्स्ट्रा प्राइस। लोडिंग माने एक्स्ट्रा प्राइस। देखिए लोडिंग किस पे हटाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स से, गुड्स रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट वाला का लोडिंग क्रेडिट में और क्रेडिट वाला का लोडिंग डेबिट में। जहां जहां साइन मारे हैं वहीं वहीं लोडिंग हटाते हैं। अच्छा यहां दिया हुआ माने इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस माने सेल प्राइस। इनवॉइस प्राइस माने सेल प्राइस। और लिखा हुआ है प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का चीज तो हम डायरेक्टली इनवॉइस पे चार्ज कर नहीं सकते हैं। इनवॉइस यानी क्या? लाइक सेल की तरह होता है। तो कॉस्ट पे 20% है माने 20/100 लिख सकते हैं। 20% को 20% के बदले 100% के बदले काटेंगे तो कितना होगा? 150 कितना होगा? उधर में कितना हो जाएगा? 160। कॉस्ट से सेल पे जाते हैं तो ऊपर वाला नीचे में ऐड होता है। ऊपर 1 है तो 1 ऐड होगा, 2 है तो 2 ऐड होगा, ऊपर जो रहेगा वही ऐड होगा। और सेल से कॉस्ट पे आते हैं तो ऊपर वाला नीचे माइनस होता है, और इधर से इधर जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे में प्लस होता है। मान लीजिए इधर में 2/3 रहता तो इधर होता 2/5। ऊपर 2 है तो 2 ऐड होगा, 1 है तो 1 ऐड होगा, समझे? और इधर में मान लो 7/10 है तो इधर में होएगा 7/3, क्योंकि ऊपर 7 है तो 7 माइनस होगा, आ इधर 7/3 है तो उधर होगा 7/10, क्योंकि ऊपर 7 है तो 7 ऐड होगा। माने इधर से इधर आओगे तो लेस होगा, ऊपर वाला नीचे में लेस। कॉस्ट से सेल पे जाओगे तो ऊपर वाला नीचे में प्लस, और ऊपर वाला जो संख्या वो करो, कुछ भी हो सकता है संख्या, कोई दिक्कत? तो लोडिंग हमें हटाना है 1/6। कितना लोडिंग हटाना भाई? 1/6। ये ओपनिंग स्टॉक है, इसका लोडिंग हटाएंगे, इसको हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉक रिजर्व। 36,000 का 1/6 बताओ कितना हो रहा है? 6,000। गुड सेंट है, गुड सेंट को हम हटाएंगे, गुड सेंट ब्रैकेट में लोडिंग लिख देंगे। गुड सेंट का है कितना भैया?
324600 का 1/6 बताइए कितना, 54,100। ये गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न का डेबिट में लिख देंगे गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में लोडिंग, कितना है गुड्स रिटर्न भाई, 6420 का 16 बताइए कितना होगा, 1070। ये अब नॉर्मल लॉस का तो लोडिंग हुआ नहीं क्योंकि अब नॉर्मल लॉस आया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाएंगे स्टॉक रिजर्व बोल के, 48180 का 1/6 बताइए कितना होगा, 8,030। अच्छा कभी कभी लोग क्या करते हैं डेफिसिट इन स्टॉक को पूरा ट्रांसफर नहीं करते, इस पर भी लोडिंग हटाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा ट्रांसफर करते हैं, दोनों तरीका बनाने का, डेफिसिट ने स्टॉक को पूरा ट्रांसफर कर लीजिए आने तो उस पर लोड नहीं, तो लोड हटाने में जमीन में क्यों जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जोर घटाव करते हैं, इधर ज़्यादा है तो इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, बताइए कितना हो रहा, 60,100 और 60,100 में से माइनस करिए जो दिया है उसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 45,000। इधर जोड़ दिया इधर घटा दिए, क्या आ गया भाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 है ना, तो 45,000 अब इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे क्या आएगा नेट प्रॉफिट 45,000, 45,000 में से घटाइए तो 9,250 क्या आ गया नेट प्रॉफिट, यहीं पे हमारा सवाल फिनिश हो गया, कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, कोई तकलीफ है एक बार बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, जो बच्चा डायरेक्ट टच पर है 3 times बना लेना समझे, 2019 ऑनर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, उतारिए जल्दी से फोकस करिएगा, और मैं क्वेश्चन देखिए ब्रांच का 2 questions पूछे जाएंगे, 2 में जो आपको पसंद पड़े बनाइएगा, बट ये एग्जाम नहीं चल रहा इसलिए मैं सोल्यूशन तो सबका कराऊंगा, इसमें पूछा गया ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाइए, सुनिए और मैं पूछा गया ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल बनाओ, कैसे बनेगा भाई ट्रेडिंग तो शुरू से जानते हो ना, तो फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम पर्टिकुलर, ब्रांच का नाम ब्रांच का नाम, ट्रेडिंग में क्या जाता है ट्रेडिंग का डेबिट में क्या जाता है ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेज कैरेज इनवर्ट, क्रेडिट में क्या जाता है सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, अब पीएल वाला पीएल में डाल देंगे, पीएल वाला एकदम नॉर्मल सा सवाल है, आप देखते हैं लॉकेस एंड कंपनी विथ देयर एचओ एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर मुंबई ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज होलसेल प्राइस, द आईपी इज कॉस्ट प्लस 40%, आईपी इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 40%, माने कॉस्ट में 40% जोड़ा हुआ है, द ब्रांच रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स 125% ऑफ आईपी, ब्रांच क्या कर रहा है गुड्स को बेच दे रहा है इनवॉइस का 125% पे, हाउएवर सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस टू इट्स कस्टमर इन कोलकाता फ्रॉम द बात नहीं, सुनोगे ध्यान से, आईपी हमारा इनवॉइस प्राइस है और हेड ऑफिस जो गुड्स बेच रहा है कोलकाता में ये इनवॉइस प्राइस पे बेचता है, उसके बाद देखिए क्या फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय द एचओ ब्रांच प्रिपेयरिंग कलमना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है आओ वापस एक बार पढ़ दे ऊपर से, लोकेशन कंपनी विथ देयर एचओ एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर मुंबई ब्रांच एट आईपी, आईपी इज अ होलसेल प्राइस, आईपी माने इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस ही हमारा होलसेल प्राइस है, द आई पी इज कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट नहीं पता मान लो 100 में 40% माने 140, कॉस्ट 100 है 100 में 40% जो रहेगा तो कितना होगा 140, और क्या बोला है और वाला भाई वहीं पे और है, चलो द ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स 125% ऑफ आई पी, तो 140 के 125% कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेलिंग का प्राइस आ जाएगा, द हेड ऑफिस हाउएवर सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस टू इट्स कस्टमर इन कोलकाता, हेड ऑफिस ना इन हमारा होलसेल प्राइस पे इन गुड्स को बेचता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन और ट्रेडिंग प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा डेबिट में, परचेज कहाँ जाएगा डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच है कोलकाता के लिए सेल होगा मुंबई के लिए परचेज होगा, गुड्स सेंड कोलकाता के लिए सेल होगा मुंबई के लिए परचेज होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इन वॉइस प्राइस, गुड्स रिसीव का मतलब क्या होता है भाई गुड्स सेंड, गुड्स रिसीव का मतलब क्या होता है गुड्स सेंड,
कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ 80,000, गुड्स रिसीव हुआ 133,000, ठीक बात है। सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। देखो बोर्ड में, देखो सभी लोग बोर्ड में, सभी लोग देखिए, सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस 100, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस ऑब्लिक होलसेल प्राइस। इनवॉइस या ऑब्लिक इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? होलसेल। 100 का 40% माने 140। सेल प्राइस कितना हो रहा है? 140 का 125%। बताइए कितना हो रहा है 140 का 125%? 175। माने सेल्स प्राइस है 175, ओके। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। होलसेल प्राइस कितना है? 140, ठीक बात है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक आपका जाएगा डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 35,000। परचेज जाएगा डेबिट में। परचेज है 3,00,000। गुड सेंट कॉस्ट दिया है। कॉस्ट को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा? इनवॉइस में। तो भाई गुड सेंट 80,000 का है। कितना का है भाई? 80,000 का गुड सेंट है। कितना का गुड सेंट? 80,000। इसमें कितना जोड़ना है? 40%। 80,000 में 40% जोड़ दीजिए, क्योंकि 40% एक्स्ट्रा प्राइस है। कितना हो रहा है बताइए? 1,12,000 का गुड सेंड हुआ है। 1,12,000 का गुड सेंड कितना का है? 1,12,000। 1,12,000 का क्या हुआ है? गुड सेंड हुआ है। वो बोल रहा है 1,33,000 का रिसीव हुआ है। काहे गड़बड़ हो रहा भाई? सामने वाला तो बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे 1,33,000 का गुड्स मिला, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? ठीक से धोरे हैं? 80,000 में 40% एक्स्ट्रा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्योंकि 1,33,000 का रिसीव हुआ है। गुड्स रिसीव देखिए भाई, 1,33,000 दिया हुआ है, इसको इग्नोर करके चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुड्स रिसीव ज्यादा हो जाए। गुड्स रिसीव कम होगा बट ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो गुड्स सेंड कितना? 1,12,000। और इसे गुड्स सेंड को कहाँ लिख देंगे डेबिट में? उसके लिए सेल है, तो इसके लिए क्या है? परचेज है। मुंबई ब्रांच के लिए परचेज है 1,12,000। फिर क्या दिया हुआ? गुड्स रिसीव बढ़ाइए। सेल्स दिया है। सेल्स कितना है? 2,80,000। सेल्स से आपका 2,80,000 और 1,57,500। फिर क्या? ट्रेड एक्सपेंस, पीएल का डेबिट। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 18,000 11,000। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10,000 और 6,000। तो ट्रेड एक्सपेंस 18,000, सेलिंग एक्सपेंस 10,000 और 6,000। 10,000 और कितना 6,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा बोर्ड में देखिए? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? कलकत्ता है और मुंबई ब्रांच है। सुनिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया भाई? 40,000 और 35,000। 40,000 और कितना दिया हुआ? 35,000। ऐड करते हैं हम लोग परचेज। परचेज कितना है? परचेज कितना है भाई? 3,00,000। और इसका परचेज कितना है? 1,12,000। अरे गुड्स एंड को ही परचेज बोलेंगे ना, इसके लिए तो परचेज गुड्स एंड ही है। गुड्स एंड 1,12,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर दिए। लेस करेंगे हम लोग क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स माइनस, तो कलकत्ता का सेल कितना? 2,80,000 है ना। कलकत्ता का सेल्स जो है 2,80,000 है। कलकत्ता क्या बोला है कि हम सेल करते हैं होलसेल प्राइस पे। होलसेल प्राइस कितना है? 140। माने 2,80,000 जो है कितना के बराबर है? 140 के बराबर है। 2,80,000 कितना के बराबर है? 140। हमें कॉस्ट पे निकालना है तो क्या करना होगा? इनटू 100। कॉस्ट प्राइस तो 100 है। अच्छा, ये भी तो सेल है कलकत्ता के लिए। गुड्स एंड डॉलर आइटम भी सेल है।
गुड्स एंड ऑल आइटम भी सेल है 112,000, 112,000 भी कितना के बराबर है, 140 के बराबर है, इनटू कर दीजिए 100, बताइए कितना हो, 280,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 140, इसका 280,000, इसका 280,000, इसका 80,000। अच्छा मुंबई भी तो सेल किया है ना, मुंबई कितना का सेल किया, 157,500, 157,500, तो मुंबई का निकाल रहे हैं 157,500, वो तो कस्टमर को बेचता है तो कौन सा प्राइस पे बेचता है, सेल प्राइस, वो कस्टमर को बेचता है तो कौन सा प्राइस पे बेचता है, सेल प्राइस कितना है 175, सेल प्राइस कितना है, माने 157,500 175 के बराबर है, और मुंबई का जो भी कॉस्टिंग करना है वो कौन सा प्राइस पे करना है, इनवॉइस प्राइस, कौन सा प्राइस पे कॉस्टिंग करना है मुंबई वाला, इनवॉइस प्राइस पर, देख लो नीचे लिखा है स्टॉक एट एच ओ आर वैल्यू डेट कॉस्ट प्राइस, एच ओ का कॉस्ट पे, इसीलिए 100 से गुना किए, और इसका क्या चीज़ में बोला वैल्यू करने, ब्रांच एट वैल्यू एट कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस, कौन सा प्राइस, तो इनवॉइस पे हम क्या करेंगे, ये करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, तो 157,500 डिवाइड बाई 175 इन टू एक्स इनवॉइस कितना है, 140, बताओ कितना होगा, 1,26,000, लेस करिए जो बचेगा वो कौन सा स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, किसका क्या करता है, इसका 60,000, उसका 21,000, कितना 21,000, 60,000, 21,000, 60,000, ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ही फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए जिसका जैसे है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा, 60,000 और 21,000, अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा जल्दी से जोड़ के बताइए कितना हो रहा, 1,12,000 प्लस 2,80,000 प्लस 60,000, ये वाला 452,000, ये 1,785,000, 452,000 1,785,000, पहला वाला का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई, 84,000, और इसका 36,500, बात नहीं, इधर जोड़ेंगे, इधर ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा, 84,000, 31,500 ये वाला घटा के, हाँ। तो 36 कैसे घटा दिया आपको, 31,500 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा इसका जो मुंबई ब्रांच का है, सुनिएगा ध्यान से, मुंबई ब्रांच का जो स्टॉक है ये कौन सा प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस, कौन सा प्राइस, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन, स्टॉक एट एच आर वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस बट द ब्रांच आर वैल्यू एट कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस, कौन सा प्राइस, सुन लो, तो लोडिंग हटाना पड़ेगा, ब्रांच का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी और ओपनिंग का डेबिट में है ना, इसका लोडिंग कहाँ हटेगा, क्रेडिट में, और इसका क्लोजिंग का क्रेडिट में, इसका लोडिंग कहाँ हटेगा, डेबिट में, स्टॉक का लोडिंग हटाते हैं स्टॉक रिजर्व बोल के, स्टॉक का लोडिंग हटाते हैं स्टॉक रिजर्व बोल के, 21,000, ये 21,000 कितना के बराबर है भाई, इनवॉइस पे है ना, माने 140 के बराबर है, 140 इनवॉइस प्राइस 140 है ना, माने 140 के बराबर है, कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 40, कितना एक्स्ट्रा है, 40, तो 40 से गुना कर दो निकल जाए कितना, तो स्टॉक रिजर्व 21,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 140, और इसका स्टॉक इधर लिख देंगे स्टॉक रिजर्व कितना, 35,000 है ना, तो 35,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 40 ये कितना आ रहा, कैलकुलेटर है, और उसका 35,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 140 10,000 स्टॉक रिजर्व हो गया। सुनो है इस तरीका का सम में, अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक है तो लोडिंग इधर हटेगा, जितना एक्स्ट्रा रहेगा, कितना एक्स्ट्रा, 40 है ना, कितना एक्स्ट्रा है, अरे कॉस्ट प्राइस तो है तो होलसेल हो गया 140, माने कितना ज्यादा है, 40, तो 40 से गुना करो, और इनवॉइस कितना का बराबर, 140 के बराबर, 140 से डिवाइड करो, 40 से निकालना है तो इसलिए 40 से गुना, इनवॉइस 140 है तो 140 से डिवाइड करो, 35,000 कितना का बराबर, 140 के बराबर, 140 से डिवाइड करो, 40 से गुना करो, अब इधर जोड़ेंगे, इधर हमारा आ जाएगा आंसर 31,500, इसको जोड़ के कितना हो रहा है, 94,000, लेस करिए तो
94,000 माइनस 31,500 लेट्स करिए, जो आएगा वो कौन सा प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट 94 में से घटाओ ये वाला और दूसरा वाला 31,500 माइनस 11,000 माइनस 6,000 14,000 आ गया हमारा कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या, कॉपी करिए, फोकस करिएगा, दो नंबर सवाल कर रहे हैं 2019 ऑनर्स का पेपर का, ये दो नंबर सवाल में हायर परचेज का सवाल है, यहाँ भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम से एक हायर परचेज से, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, हायर परचेज और आपका कौन सा इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जो आपको अच्छा लगे करिएगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि एक बार करिएगा तो उसका हो जाएगा, उसका वीडियो अलग से मेरा डाला हुआ है इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, ये हायर परचेज का समय, बट हम तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो सारा सॉल्व कराएंगे, आइए देखिए, ऑन 1/4/16 एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 5 मशीन, बात नहीं, ऑन 1/4/16 एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 5 मशीन ऑफ ₹60,000 ईच ऑन HP सिस्टम फ्रॉम भी लिमिटेड, 5 मशीन को एक्वायर किया, एक मशीन का दाम है 60,000, तो 60,000 × 5 कितना हुआ 3,00,000, द प्राइस वाज पेबल 5 इंस्टॉलमेंट, 13,200 करके इंस्टॉलमेंट देगा, समझ पा रहे, ईच पर मशीन है, एक मशीन का 13,200 इंस्टॉलमेंट, तो 5 मशीन का कितना हुआ 13,200 × 5, 13,200 × 5, फर्स्ट बींग पेड ऑन द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, बोला पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, फर्स्ट बींग पेड ऑन द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, जिस दिन साइनिंग हुआ उसी दिन दे दिया, एंड अदर इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, पर अदर इंस्टॉलमेंट जो होगा प्रत्येक साल के लास्ट में दिया, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट 5% पर एनम, इंस्टॉलमेंट में क्या एडेड है, इंटरेस्ट एडेड है, द बैंक डिसाइड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 20% वो चार्ज करेगा, ठीक है, सबसे पहले इस तरीका का सामने निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक मशीन का दाम 60,000, 5 मशीन का दाम हुआ 3,00,000, ठीक है, सुन लो ध्यान से, यहाँ से हम लेस करते हैं डाउन पेमेंट, हाथ को स्टॉप रखिए, सुन लो पहले एकदम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सेटिंग हो जाएगा, कैश प्राइस ऊपर में हम लिख दिए इसीलिए एरो दिखा दिए, कैश प्राइस 60,000, लेस करेंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट को हम क्या करेंगे भाई, लेस करेंगे, अगर रहता तो लेस करते, नहीं रहता तो लेस करने दरकार नहीं है, अब 5 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 5 बार इंटरेस्ट ऐड, 5 बार इंस्टॉलमेंट लेस, 5 बार इंटरेस्ट ऐड, 5 बार इंस्टॉलमेंट, तो करते हैं ऐड कर देंगे हम लोग क्या चीज, इंटरेस्ट 3,00,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है 5%, तो 3,00,000 का 5% कितना हो रहा भैया 15,000, 3,00,000 का 5% 15,000, जोड़ दीजिए 3,15,000, लेस कर देंगे क्या चीज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 13,200, 1 मशीन का है ना, तो 5 मशीन का कितना होगा 13,200 × 5 कितना हो रहा भाई 13,200 × 5 66,000, तो 3,15,000 में से 66 को लेस करिए 2,49,000, फिर करेंगे ऐड इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट 2,49,000 का कितना परसेंट 5%, 2,49,000 का 5% कितना हो रहा 12,410, 12,450, लेस करेंगे कौन सा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ऐड करके बताइए जल्दी से कितना हो रहा 2,49,000 प्लस 12,450 कितना हो रहा 2,61,450, लेस करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा 66,000, बताइए कितना हो रहा 1,95,450, फिर ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट 1,95,450 का 5%, कितना हो रहा 5, कितना हो रहा 9,773, जोड़ दो, लेस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट तक ही लेस करते हैं,
कितना थर्ड इंस्टॉलमेंट? 66। ये पहले जोर के बताओ, 1,05,223 करो, 205,223 सुनो, सवाल में लिखा है ना कि तीसरा इंस्टॉलमेंट के बाद पैसा मार लिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट के बाद क्या कर लिया? पैसा मार लिया, ये सब में लिखा हुआ है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये सब में लिखा हुआ है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, आफ्टर पेइंग द फर्स्ट एंड टू मोर इंस्टॉलमेंट द बार फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट डी 31 मार्च 19। दो एक मैंने तीन इंस्टॉलमेंट दिया है और उसके बाद पैसा मार लिया, तो यहाँ पे ना और निकालना चाहते तो इंटरेस्ट ऐड होता। इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड होता, और इंस्टॉलमेंट क्या हो जाता? लेस हो जाता। समझ पा रहे क्या बोल रहे? फोकस करिए, देखिए क्या बोला कि तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया उसके बाद पैसा मार लिया, देख रहे हैं ना, तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया उसके बाद पैसा मार लिया। सुन लो ध्यान से, तो क्या करेंगे आप चाहें तो और निकाल सकते हैं, ऐड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लेस, ऐड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लेस कर सकते हैं। पहला कौन सा अकाउंट खोल रहा है? मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कितना तारीख को मशीन खरीदा है? देखिए तो 1/4/16 तो खरीदे हैं, तो किससे खरीदे हैं? पार्टी का नाम दिया है, देखिए एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड किससे? वी लिमिटेड से, तो लिख देंगे 2 वी लिमिटेड। कितना का मशीन लिए? 3 लाख। कितना का मशीन लिए? 3 लाख। तो 1/4 से ये खत्म कब होगा सर? 31 मार्च 17 लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। बाई क्या लिख देंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट है भाई? 20%। कितना परसेंट? 20%। तो 3 लाख का कितना परसेंट होगा? 20%। 3 लाख का 20% कितना हो रहा? 60,000। वी लिमिटेड 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना हो रहा? 60,000 हो गया। बैलेंस कर लेते हैं, 3 लाख माइनस 60,000 कितना हुआ? 2,40,000। ये 31 मार्च 17 हमारा हो गया क्या चीज? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस इस सीडी को इधर बड़ी 1/4/17 टू बैलेंस बड़ी 2,40,000। कौन सा मेथड से बोला है? WDD। तो यहाँ भी हम कर देंगे 31 मार्च 18 को लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 2,40,000 का 20%। कितना हो रहा भाई? 48,000 हो गया। तो 2,40,000, 2,40,000 माइनस 48 कितना हो रहा बताइए तो? 31 मार्च 18 बाई बैलेंस शीट कितना हो रहा? 1,92,000 1,90,000। इस सीडी को इधर बिडिंग कितना हो रहा? 1,92,000। 31 मार्च 18 के बाद हम पहुंच चुके हैं 1/4/18 में। 1/4 इसी साल फेल किया है। नीचे देखो लिखा है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू 31 मार्च 19 को जो पढ़ रहा है ना उसी दिन फेल कर दिया, तो जिस साल फेल करेगा ना उस साल का डेप्रिसिएशन लिख के आधा अधूरा छोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन 1,92,000 का 20%। 1,92,000 का कितना परसेंट? 38,400। ये आधा अधूरा ऐसे ही छोड़ दें। क्या तीसरा इंस्टॉलमेंट पैसा मार लिया है? तीसरा इंस्टॉलमेंट का पैसा हो गया। अब ये कौन सा अकाउंट है? वेंडर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? वेंडर। हमको क्या दिया है? मशीन दिया है। कितना तारीख को दिया? 1/4/16 तो लिख देंगे भाई मशीन अकाउंट, वेंडर ने हमें मशीन दिया 3 लाख का हो गया। अरे अब पैसा देंगे तो इधर होगा एंट्री, इंटरेस्ट देंगे तो इधर, पैसा देंगे तो इधर, इंटरेस्ट देंगे तो इधर। अगर डाउन पेमेंट देता, डाउन पेमेंट अगर देता तो टू बैंक करके लिख देते, अगर सवाल में डाउन पेमेंट रहता तो, डाउन पेमेंट रहता तो टू बैंक करके हम लिख देते, हो गया। अब पहला साल का इंटरेस्ट है, देख रहे हैं आप इंटरेस्ट है कितना है? इंटरेस्ट 15,000 तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट 15,000 बाय इंटरेस्ट। उसके बाद लिख देंगे डेबिट में टू बैंक कौन सा इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 66,000 हो गया 31 मार्च 17 हो गया। तो बाय इंटरेस्ट टू बैंक कौन सा इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे
कितना हो रहा 3,15,000 3,15,000 - 66,000 कितना हो रहा 2,49,000 ये हुआ आपका टू बैलेंस रेडी हो गया 2,49,000 31 मार्च 17 इस सीढ़ी को इधर क्या कर देंगे बेडिंग इस सीढ़ी को इधर बेडिंग क्या हुआ चार्ज नहीं इसलिए लाइट कम हो चालू रखे ना चालू ही है सर फोकस टू बैलेंस सीढ़ी 2,49,000 2,00,000 इस सीढ़ी को इधर बेडिंग कर देंगे 1,4,17 बाई बैलेंस बेडी 2,49,000 हो गया फिर से इंटरेस्ट है इंटरेस्ट कितना है 12,450 तो लिख देंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट 12,450 यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज 31 मार्च 18 टू बैंक कौन सा इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 66,000 थोड़ा ऐड करके बताइए 2,49,000 2,61,450 लेस करके कितना हो रहा 1,95,450 ये टू बैलेंस 31 मार्च 18 के बाद क्या आएगा ये 1,4,18 वाला जब ईयर को क्लोज करेंगे 1,4,18 वाला ईयर को क्लोज करेंगे तो निकलेगा इंटरेस्ट 31 मार्च 19 को 31 मार्च 19 इंटरेस्ट कितना निकला है लास्ट वाला 9,773 हो गया इसी साल तो पैसा मार लिया 31 मार्च 19 को पैसा मारने का वो रिजल्ट क्या हुआ देखो नीचे आफ्टर पेइंग द फर्स्ट एंड टू और मोर इंस्टॉलमेंट बार फेल टू पे इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 एज अ रिजल्ट भी लिमिटेड रिपोसेस 3 मशीन एट एन एग्रीड वैल्यूएशन कॉस्ट लेस 20% डेप्रिसिएशन फॉर इनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड सुनो ध्यान से 3 मशीन को छीन लिया 2 मशीन को छोड़ दिया और 3 मशीन को रिपोसेस कर लिया पैसा नहीं देगा तो मशीन नहीं चुनाएगा समझे तो इसका वर्किंग करना होगा ये होता है पार्शियल रिपोसेशन क्या होता है पार्शियल कितना मशीन को छीना है 3 मशीन कितना मशीन कौन छीना है भी लिमिटेड ये इरेज कर दे रहे हैं जल्दी से फोटो डालो भाई ये वाला इस पोर्शन को खाली यस हो गया एक दल ले लिया तो हो गया भाई चलो अब निकालेंगे हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कौन सा वैल्यू एग्रीड वैल्यू कौन सा वैल्यू सुनिए कैलकुलेशन ऑफ कौन सा वैल्यू सुनिए हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीड बात नहीं कैलकुलेशन ऑफ कौन सा वैल्यू एग्रीड वैल्यू कौन सा वैल्यू अरे भैया है कैलकुलेशन ऑफ कौन सा वैल्यू एग्रीड वैल्यू कॉस्ट ऑफ कितना मशीन 3 मशीन कितना मशीन तो एक का है 60,000 दाम तो 3 का कितना होगा 60,000 × 3 1,80,000 तीसरा साल में हादसा हुआ है ना तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो एक बार में निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन क्योंकि बार बार तो वही होगा कितना परसेंट है 20% है लेस डेप्रिसिएशन है एग्रीड वैल्यू किसके नजर में निकाल रहे हैं भी लिमिटेड के नजर में वो कितना परसेंट कर रहा 20% तो 1,80,000 का 20% कितना साल के लिए 3 साल क्यों 3 साल रे बाबा अरे बार बार लेस करोगे तो उतना ही अमाउंट लेस करोगे ना 3 साल डिमिनिशिंग रहता तो अलग होता डिमिनिशिंग तो किन्ने वाला चार्ज कर रहा छीनने वाला क्या चार्ज कर रहा स्ट्रेट लाइन छीनने वाला क्या चार्ज कर रहा तो 1,80,000 का 20% 3 साल के लिए कितना हो रहा करो 1,08,000 लेस करो एग्रीड वैल्यू मैंने 72,000 वैल्यू लगा रहा तुम्हारा एग्रीड वैल्यू है 72,000 अब बुक वैल्यू चेक करना होगा कैलकुलेशन अब कौन सा वैल्यू बुक वैल्यू किसके नज़र में बुक वैल्यू होगा एक्स लिमिटेड बुक वैल्यू किसके नज़र में होगा भाई एक्स लिमिटेड के नज़र में बुक वैल्यू होगा ठीक है सुनो एक्स लिमिटेड ये इसके नज़र में कॉस्ट ऑफ कितना ट्रक 3 ट्रक या 3 मशीन कॉस्ट ऑफ 3 मशीन एक का दाम है 60 तो 3 का दाम हुआ 1,80,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3 साल है ना तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,80,000 का कितना परसेंट
1,80,000 का 20% कितना हो रहा भाई? 36,000। लेस करिए, हर साल चेंज करना पड़ेगा, 3 साल तक करना होगा, क्या कि डिमिनिशिंग है। 1,80,000 माइनस 36 कितना? 1,44,000। लेस करिए फिर डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, एक लाख चौवालीस हजार का 20% बताइए कितना हो रहा है? 28,800। लेस करिए 1,44,000 माइनस 28,800 1,15,200 लेस करिए डेप्रिसिएशन, 1,15,200 का 20% 1,15,200 का 20% 23,000 जो निकलेगा वो कौन सा वैल्यू निकलेगा? बुक वैल्यू। बताइए कितना? 1,15,200 माइनस 23,000 40 92,160 हमारे नज़र में संपत्ति का दाम है 92,000, उसके नज़र में 72,000, लॉस हो रहा ना। हम बोल रहे हैं 92,000, बोल रहे ना 72,000। हमारा सामान का दाम हमारे नज़र में 92,000, उसके नज़र में कितना है? हमको लॉस हो रहा, हमको क्या हो रहा? तो लॉस ऑन रिपोसेशन कितना हो जाएगा? लेस कर दो, लॉस ऑन रिपोसेशन 92,160 माइनस 72,000 कितना हो रहा? 20,160 का लॉस। सुनो, छीन लिया है, कितना का छीना रे बाबा? 31 मार्च 19 कौन छीना? भी लिमिटेड, कितना का वो छीना है? 72,000। कितना का छीना है? उसका वाला वैल्यू लिखेंगे, 72 का छीना है। इधर जोड़ेंगे, इधर जो बच्चा उसको तू बैलेंस शीट बताओ कितना हो रहा, ये बताइए कितना हो रहा? 1,20,000 1,95,000 दीदी, 2,05,223 2,05,223 लेस करिए, 1,33,000 ये कहानी खत्म। और ये भी लिमिटेड छीना है ना, भी लिमिटेड छीना है। क्या बेचा था भी लिमिटेड? क्या बेचा था? मशीन। तो छीना क्या है? मशीन, मशीन लिखेंगे यहाँ पे, मशीन। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे कौन सा छीन, कौन छीन रहा है लिखेंगे भाई भी लिमिटेड। कितना? 72,000। लॉस कितना हो रहा? तो भाई पीएल अब तो कुछ है नहीं, इधर दौड़ेंगे, इधर बताइए कितना हो रहा? 1,92,000 1,92,000 माइनस कर दीजिए जो आएगा उसको लिख देंगे भाई बैलेंस शीट में। कितना आ रहा? 61,440 भाई बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझे आप लोग? कॉपी करिए, बनाइएगा। सर अगर ये तीन मशीन वापिस नहीं लेता तो ऐसा करते? ना नहीं करते, डायरेक्ट हो जाते।